आज जायसवाल है और उस साल पहली मैं भी ये तरफ रहा हूँ, मतलब मैं भी पत्रकार रहा हूँ, बिलासपुर पत्रकारिता से शुरुआत करे हूँ। तो आज आप मन के आशीर्वाद से मैं आप मन के सामने हूँ, तो इकर लिए बहुत बहुत ऊपर वाले धन्यवाद। तो करीब 20-21 साल पहले मैं मुंबई गया हूँ और उखर पहले मैं बिलासपुर में थिएटर करत रहे हूँ। तो और मुंबई में शुरुआत हुई बालाजी टेलीफिल्म से, एकता कपूर के यहाँ डायरेक्शन में कसौटी जिंदगी की सीरियल और केसर, ये सब सीरियल मैं करे हूँ। उखर बाद फिर बहुत सारा सीरियल करें राष्ट्रीय फिल्म के और अपने चोपड़ा जी, रवि चोपड़ा जी के प्रोडक्शन में है ना। और सबसे पहले 2011 में मैं मेरा नाम करेगी रोशन एक सीरियल था सोनी टीवी के, वहाँ से मैं डायरेक्टर बन गया। फिर बहुत सारा सीरियल करें हम, महाकुंभ, गुड्डन तुम से ना हो पाएगा, महक, कृष्णा चली लंदन और आपका पिंजरा सीरियल और इस मोड से जाते हैं, ऐसे तमाम जो लोकप्रिय धारावाहिक है उनमें मैं निर्देशन करे हूँ। और ये वनवास मतलब छत्तीसगढ़ी फिल्म पहली फिल्म है, लेकिन अच्छा स्टोरी लगी और तो मैं ये चैलेंज लिए हूँ और बहुत बढ़िया स्टोरी है वनवास और बहुत अच्छा काम भी हुआ है, बहुत स्पीड से काम हुआ है और बहुत तकनीकी रूप से भी बहुत अच्छा काम हुआ है। तो वो सब करें, बाकी आप लोग पूछिए सवाल। मुख्य कलाकार कौन कौन है फिल्म में? मुख्य कलाकार हैं अपने दीपक कुमार, हेमा शुक्ला, उपासना वैष्णव और आपके विनय अंबट, सेवक राम जी, आलोक कुमार। संदेश तो ठीक अपन जगह है, अब फिल्म के तो मुख्य काम है मनोरंजन, आदमी पैसा दे गया था तो मनोरंजन होना चाहिए, संदेश और मैसेज और वो तो डॉक्यूमेंट्री और सब कुछ तो बनते तो होते, लेकिन ये है कि ये बनवास फिल्म ना मतलब बिल्कुल आप कंपेयर कर सकते हैं पुराने बनवास से, लेकिन ये आधुनिक परिवेश के बनवास है। हेमा भी भाई है लेकिन लक्ष्मण जैसे भाई नहीं है बल्कि दुर्योधन जैसे भाई है, कौशल्या भी है लेकिन कौशल्या ना हो के भी वो कैकई है, तो ये अलग है कि आधुनिक परिवेश में मतलब वो बनवास से हूँ मैं निश्चित रूप से। और बाद में ऐसे कुछ चीज़ें आई जिन मतलब हैरान कर दी आप, मतलब तो एक्शन थ्रिलर और कॉमेडी वो सबसे भरपूर है और बड़े बजट की फिल्म है, बहुत मतलब 60-70 लाख तक का इसका बजट जाए। तो और कलाकार बड़े अच्छे हैं, सबने बहुत अच्छा काम किया, आप विलेन देखेंगे अपने वो कॉमेडी जो कलाकार यहाँ प्रसिद्ध सेवक राम जी जैसे कलाकार हैं, है तो बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, मतलब एक हट के आपको काम देखने को मिलेगा। ये जो बनवास तमाम पूरे आधुनिक परिवेश में एक लड़के की कहानी है जो शायद वनवास भोग रहा है, उसको भी अपने वनवास खत्म होने का इंतजार है ना, तो उसी वैसे ही है वनवास, पारिवारिक कहानी है, हाँ, लेकिन ऐसा कोई जंगल और तीर धनुष और वो सब नहीं है। बताया वो 60-70 वो है तो प्रमोशन वमोशन करके रिलीजन तक 1 करोड़ हो जाएगा क्या? नहीं, उतना भी नहीं है अभी हमने, क्योंकि ना बहुत हम स्पीड में काम किए हैं, आपको ये नंबर जी तो आए हैं दोबार, तो 8-8-10-10 सीन एक एक दिन किए हैं, लेकिन ओकर पीछे बहुत मेहनत लग रही है, मैं मतलब पहले से प्री प्रोडक्शन और क्लियर टी डिमांड लोकेशन देख के वहाँ जाके सोचना नहीं कि अभी ये काम करना है वो काम करना है, वो सब तो वो उससे बहुत स्पीड काम हो रहा है, तो कभी कभी आइटम्स हम देखते ही समझ में आ रहे हैं कि पहले की तैयारी कितनी टाइट रही, तब तक जाके फटाफट फटाफट बस ये कहानी गीत संगीत वगैरह
कहानी वगैरह वो सब अभी तो ये पुराने जो है ना, इसमें नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी लोगों का इसमें योगदान है। जैसे अब पुराने दो तीन लोगों ने लिखा था, फिर अभी प्रभाकर बर्मन जी हैं, उन्होंने भी उसमें स्क्रीन प्ले में किया। मैंने कुछ मतलब शूटिंग से 10 दिन पहले मैं आ गया था मुंबई से, तो उसमें कुछ करेक्टर हमने ऐड किए, कुछ नए करेक्टर ऐड किए, कहानी कुछ चेंज किया, तो काफ़ी उसमें वर्क किया गया। मतलब ये 2-3 साल से इस स्क्रिप्ट पे काम चल रहा था। पेशा ने अपने पाटन जिले में, पाटन मतलब क्षेत्र में कौही गांव है, तो एक स्वयंभू शिवलिंग है वहाँ, जो शिवलिंग बढ़ रहा है, अपने आप बढ़ रहा है, तो पूरा मंदिर का परिवेश, बहुत सारे मंदिर हैं, तो वहाँ पर किया, तो उसी क्षेत्र में फिर हम लोग घूम के। आपने बताया बजट इसका अच्छा तगड़ा है, मतलब थोड़ा वजनदार है, तो लोकेशन बाहर भी है क्या? नहीं, कुछ इसमें ना अभी इस बार थोड़ा सा कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। हम लोग कुछ चीज़ें लोकेशन में यूएफएक्स में क्रिएट करेंगे। अच्छा 3D से, उसी लिए बजट सही है। जी सर, कुछ इश्यूज भी हैं जो नए आपको लिखे रहेंगे, तो फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर। इसका डेट कब है रिलीजिंग का? अभी तो बहुत फिक्स नहीं, लेकिन एक दशहरा दिवाली। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली। अभी आप हॉलीवुड में फिल्म लेके आ रहे हैं?